हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज सुबह उठ के मैंने हाथ मुंह धो के खाना बनाने की तैयारी में लग गई। और मैंने आज खाने में बनाया है पपाया की भजिया और साथ में दाल। ये देखने में दूध जैसा लग रहा है ना? लेकिन ये मैंने दाल बॉयल कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, खाना बनने के बाद मैं और मेरी बाबा दोनों मिलके खाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि हमें पूरा दिन काम भी करना है। इसीलिए खाना खाने की थोड़ी देर बाद ही मेरी बाबा काम पे लग गई। ये जो धान का पुआल है ना, ये हमने काट के रखा था 2 दिन पहले, और अब इसको बाबा सुखाने के लिए ऐसे धूप में फैल के दे रहा है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। हमारी यह धान का पुआल के साथ करते क्या है? धान कटाई के बाद हम इनसे धान को बॉयल करते हैं। इसके अलावा भी हम इनसे खाना भी पका सकते हैं, और हम इसको हमारे भैंसों को भी खिलाते हैं। क्योंकि हमने अभी तक हमारी धान कटाई नहीं की, इसीलिए हम अभी से इसके तैयारी में लग गई। इस धान कटाई के समय में हमें बहुत काम करना पड़ता है। और दोस्तों, ये देखिए हमारी धान की पैर, ये अभी भी थोड़ी थोड़ी कच्ची है, इसीलिए हमने अभी तक कटाई शुरू नहीं की। इस बार हम सोच रहे थे कि हमारी सारे जो धान खेत है इसको हम मशीन से कटेंगे इस बार, जिसके लिए हमें लगेंगे 5,000 रुपया, और मेरे भाई ने बोला वो पैसे भेजेंगे हमें। इस धान को संभालने के लिए हमें बहुत मेहनत लगते हैं। ये धान हमारी यहाँ साल में 2 बार उगाते हैं, और दोस्तों मैंने बोला था ना, इस धान को संभालने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो मेरे बाबा इन सारे मिट्टी को कीचड़ की तरह बना रहे हैं, और वो हमें धान को सुखाने के लिए एक फील्ड जैसा बनाया है उसको लीपने के लिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते रहिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है वो फील्ड, इसके पुचाई करने के लिए मिट्टी की तैयारी चल रही है। ये एक सड़क है जो हमने काट के ऐसे बनाया है धान को सुखाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ हमारी दीघी से पानी लेने के लिए, क्योंकि पानियों से मिट्टी को नरम करना पड़ता है। इसीलिए
और ऐसे करके मैं और मेरी बाबा दोनों मिलके इस फील्ड को मिट्टी से अच्छे से पोंछ लिया था और इसको हमें एक और बार गोबर के साथ पोंछना पड़ेगा, लेकिन वो आज नहीं, दो दिन बाद। दोस्तों, जब हमारी धान कटाई होंगे तब मैं उन सब की भी छोटी छोटी करके वीडियो बना के ब्लॉग बनाऊंगी कि हम कैसे मेहनत से हमारी धान कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारी चैनल को सपोर्ट करती रहिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। बाय।